आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच में। आज का टॉपिक है ऑफ ट्रैकिंग। तो आज हम जानेंगे ऑफ ट्रैकिंग क्या होता है। तो आप इस फिगर में देख रहे हो, ये एक स्ट्रेट रोड है, सीधी रोड है। इस पे गाड़ी मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, ठीक। ये इसका फ्रंट व्हील है, आगे का पहिया है गाड़ी का, ये रियर व्हील है पीछे का पहिया। तो गाड़ी कभी भी स्ट्रेट रोड पर होती है तो हमेशा जो फ्रंट व्हील रहता है उसको पिछला पहिया फॉलो करता है, यानी हमेशा फ्रंट व्हील के इम्पैक्ट पे चलता है रियर व्हील, यानी उसी स्ट्रेट लाइन में चलता है। जैसे आप येलो कलर से ये देख रहे हो, ये इम्पैक्ट है फ्रंट व्हील का, उसी पे चल रहा है रियर व्हील। और जब गाड़ी हॉरिजॉन्टल कर्व पे आती है, ये आप देख रहे हो गाड़ी है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल कर्व है, ये है फ्रंट व्हील। ये आपकी रियर व्हील। अब हॉरिजॉन्टल कर्व में क्या होता है, जब गाड़ी कर्व पे पहुंचती है तो कभी भी जो रियर व्हील रहती है, यानी पिछला पहिया रियर व्हील, वो फ्रंट व्हील को फॉलो नहीं करती है। तो यही फेनोमेनन कहलाता है ऑफ ट्रैकिंग। अब इस ऑफ ट्रैकिंग की वजह से हम लोग को हाईवे का डिज़ाइन करते समय कर्व पे मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, मैकेनिकल वाइडनिंग। अब इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये सेंटर ले लेते हैं, अब ये जो रेडियस लेते हैं, ठीक है, ये है आपका पिछला आउटर पहिया, यानी रियर आउटर व्हील, ठीक है। अब यहाँ से आउटर जो व्हील है पिछला, इसका रेडियस लेते हैं R1, ठीक। अब ये जो आउटर व्हील है फ्रंट आउटर व्हील, इसका रेडियस लेते हैं यहाँ सेंटर से, ये है आपका R2। तो आप देखोगे यहाँ पे R2 ज़्यादा है और R1 कम है। तो कर्व पे कभी भी जो रियर व्हील रहता है, यानी पिछला पहिया, हमेशा शॉर्टेस्ट रेडियस को फॉलो करता है। तो ये एक फेनोमेनन कहलाता है ऑफ ट्रैकिंग, कि जो रियर व्हील रहता है कभी भी फ्रंट व्हील को कर्व पे फॉलो नहीं करता। इस वजह से हम लोग मैकेनिकल वाइडनिंग प्रोवाइड करते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व पे। आपको मैकेनिकल वाइडनिंग का डिज़ाइन और डेरिवेशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको ये लेक्चर पसंद है तो हमारे चैनल इंजीनियर्स कोच को सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए। थैंक यू।